नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर पुनीत पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल पैंडेमिक वैश्विक महामारी कोविड-19 डिसीज के बारे में, नोवल कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर और ये नोवल कोरोना वायरस कैसे ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, कैसे डैमेज करता है और किस प्रकार से इसकी वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। आज ये सभी बातें हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, बैट, कैमल में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत पहले से होता आ रहा है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से मौजूद है। पहले इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण कॉमन कोल्ड जैसे ही होते थे, जैसे कि सर्दी होना, जुखाम होना, खांसी होना, हल्का फुल्का बुखार आना, फीवर होना, और जो कि अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाया करते थे। समय समय पर इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक भी हुए हैं, जैसे कि 2002-2003 में सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और 2012 में मर्स MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी में कोरोना वायरस की एक नई स्ट्रेन का जन्म हुआ और ये जो नया कोरोना वायरस है जिसको कि हम लोग नोवेल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 कहते हैं, ये कोरोना वायरस पुराने कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल में, उसके जीन में चेंज होने की वजह से ही इस नए स्ट्रेन का जन्म हुआ। कोरोना वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है जो पुराने स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल में जीन में चेंज होने की वजह से उत्पन्न हुआ, यह हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली लीथल है। पुराने वायरसेस की तुलना में इसका इन्फेक्शन 10 गुना ज्यादा तेजी से होता है, ये 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है, जिसकी वजह से आज दुनिया के ज्यादातर देश इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की इससे डेथ भी हो चुकी है। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस एक स्फेरिकल पार्टिकल है, इसके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, इसके पास प्रोटीन का एनवलप है और उस एनवलप से कुछ कप शेप्ड प्रोजेक्शंस उस एनवलप पर पाए जाते हैं जिनको कि स्पाइक्स कहते हैं और ये स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या जब हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से उत्पन्न हुए ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आते हैं तो यह कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद ये सबसे पहले मोस्टली रेस्पिरेटरी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स में अपने स्पाइक्स के द्वारा अटैच होता है। उसके बाद यह नोवेल कोरोना वायरस जब होस्ट सेल से अटैच हो जाता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में इंटर कर जाता है और होस्ट सेल में इंटर करने के बाद यह वायरस होस्ट सेल में अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और ये जो सेल के अंदर एक वायरस से कई वायरसेस बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है उनका और ये होस्ट सेल से बडिंग के द्वारा बाहर आते हैं और शरीर की दूसरी और बहुत सारी सेल्स में जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। इस प्रकार से जो सेल्स डैमेज होती हैं उनसे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं, नेजल कंजेशन कराते हैं, इनकी वजह से हल्का बुखार भी आता है और इतना थिक म्यूकस बनने लगता है सांस की नली में कि इसकी वजह से एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन भी होने लगता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
इस प्रकार से यह नोवेल कोरोना वायरस हमारे शरीर में हमारी सेल्स को डैमेज करता है और इसकी वजह से जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं उससे हमें नोवेल कोरोना वायरस के कोविड 19 डिसीज के अलग अलग तरीके के लक्षण, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। थैंक यू।